एक स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस प्लेस टाइगर केव। हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो पे मैं आपको ले चलती हूँ तमिलनाडु पे अवस्थित महाबलीपुरम के पास लोकेटेड टाइगर केव पे। गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ काफी बड़ा एरिया है। एंट्री टिकट 25 रुपीस पर हेड। टिकट स्कैन करके लेना पड़ता है यहाँ। अरे वाह, कितना नीट क्लीन एंड पीसफुल प्लेस है ये। टाइगर केव को एक्सप्लोर करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक रॉक कट मोनूमेंट कॉम्प्लेक्स है। पूरे कॉम्प्लेक्स पे जायंट साइज के रॉक्स आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा। ये रॉक को देखिए, पर्टिकुलर एंगल पे ये रॉक खड़े हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है आगे। यहाँ पर एक जायंट साइज के रॉक को काट कर टेंपल के लुक दिया गया है। अंदर एक शिवलिंग है जो इक्वली 16 एंगल से कट किया गया है। इस रॉक पे खुदाई किया गया है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। ये है नंदी महाराज। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही आपको एक टेंपल देखने को मिलेगा। मंदिर के ऑपोजिट साइड पे एक जायंट आकार विशाल रॉक है जिसके चारों तरफ स्ट्रेंज होल बना गया है। ये होल को देखिए, कितना डीप होल है ये। क्या ये नेचुरल हो सकता है? इंजीनियर्स रॉक मेल्टिंग टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है लग रहा है। इस रॉक को देखिए, यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल जैसा शेप्स बना हुआ है। इस होल को देखिए, यहाँ ध्यान से देखने पे लग रहा है
कोई एनिमल का पाव का निशान है। आप चलते हैं केप के ओर। ये एक स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है, इस पे कुछ एनिमल्स का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो लग रहा है टाइगर जैसा, लेकिन टाइगर है नहीं। इस रॉक को देखिए, देखने में लग रहा है एक रॉक को दो पार्ट में फिर क्लीनली डिवाइड किया गया है। इसके बीच से कोई इंसान जा नहीं सकता है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो ये रॉक को कट कैसे किया गया? इतना एंशिएंट टाइम पे इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस आए कहाँ से? ये तो एक मिस्ट्री है। यहाँ आकर ढेर सारे सवाल मन में आए, लेकिन इसका जवाब मुझे मिला नहीं। केव के चारों तरफ गिनरी ही गिनरी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रहा टाइगर केव, जो कि एक रॉक कट मोनूमेंट कॉम्प्लेक्स है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।